हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, जिसे राजस्थान के सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सेवा क्षेत्र के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी कि सेवा क्षेत्र है क्या और किस प्रकार से पर्यटन के माध्यम से, बैंकिंग सेवा के माध्यम से राजस्थान का आर्थिक विकास प्रगतिशील हो रहा है। इसी क्रम में आज पार्ट टू में हम कुछ और सेवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राज्य की सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार सेवा के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी सेवा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिक का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसके माध्यम से या संचार के माध्यम से सूचनाओं का शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जाना संभव होता है। यह भी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राज्य सरकार के द्वारा हमारे यहाँ सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से कई प्रकार की ऐसी चीज़ें स्थापित की गई है, जिससे आज राज्य के नागरिकों के लिए कार्य करना बहुत ही आसान हो गया है। आपको किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट बनाना है, या आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना है, जन आधार कार्ड बनाना है, या और भी कोई कार्य आपको करने हैं, तो आज वर्तमान में सरकार का जो सूचना प्रौद्योगिकी व संचार कार्य है वो इतना अच्छा हो गया है कि आसानी से आप घर बैठे कोई भी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन सी योजनाएँ सरकार के द्वारा इस संदर्भ में चलाई जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं जन सूचना पोर्टल। नागरिकों को सरकारी सेवाओं की जानकारी सुलभ, पारदर्शी व विश्वसनीय तरीके से प्रदान करने के लिए वर्तमान में जन सूचना पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध रहती है। इन पोर्टलों को जैसे जैसे सरकार की योजनाएं परिवर्तित होती है, सरकार की नीति परिवर्तित होती है, तुरंत इसको अपडेट किया जाता है। वर्तमान में 115 विभागों में जो जितनी भी योजनाएं चल रही है, लगभग 260 योजनाएं चल रही है राजस्थान में। 115 विभागों में 260 योजनाएं चल रही है। इन सभी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यहाँ पर 562 जानकारी पोर्टल अभी तक स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा UID आधार, जिसको हम बोलते हैं, भारत के सभी नागरिकों को 12 अंकों की एक संख्या सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है, जिसको हम आधार कार्ड बोलते हैं। इसको विशिष्ट पहचान संख्या, आधार कार्ड जो नंबर है, ये हर नागरिक का एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है। इस विशिष्ट पहचान संख्या का उपयोग किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है। आज अगर आप हॉस्पिटल भी जाते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड देना है, आपका फ्री वहाँ पर इलाज किया जाएगा। पहले 10 रुपये की पर्ची कटती थी, वर्तमान में सरकार ने इसको भी बंद कर दिया है, एकदम फ्री आपको दिया जा रहा है। तो इस हेतु राजस्थान में लगभग 7 करोड़ आधार ID कार्ड जारी किए हैं। वर्तमान में सूचना व प्रौद्योगिकी विकास के पास 2,200 से अधिक सक्रिय ऑपरेटर हैं, जो राजस्थान में लगातार आधार को अपडेट करने का कार्य करते हैं। दूसरा चीज़ देखिए, राजस्थान स्टार्टअप राज्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। स्टार्टअप योजना में बिना किसी शर्त के केवल परियोजना के मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक स्टार्टअप को 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये मुख्य रूप से महिला उद्यमों को बढ़ावा देने की दृष्टि से और उद्यमिता में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आगे लाने की दृष्टि से हमारे यहाँ स्टार्टअप चलाए जा रहे हैं। कई तरह के स्टार्टअप हैं, आई स्टार्ट पोर्टल है, स्टार्टअप्स के अंदर सिंगल विंडो की तरह कार्य कर रहे हैं, चैलेंज फॉर चेंज भी इसमें एक है, राजस्थान स्टेक क्यूरेट रेटिंग सिस्टम, इनब्यूकेटर, आई स्टार्ट नेस्ट, कई तरह के स्टार्टअप राजस्थान में चल रहे हैं। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे, राजस्थान संपर्क पोर्टल। ये कोई भी सरकारी योजना में
अगर किसी नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी आती है अथवा किसी अधिकारी के द्वारा समय पर कार्य नहीं किया जाता है तो उसकी शिकायत करने के लिए राज्य सरकार ने एक संपर्क पोर्टल बनाया है जिसमें ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में किया जा रहा है। एड ऑन मॉड्यूल्स तथा मोबाइल ऐप, रियलिटी चेक मॉड्यूल, जीआईएस एकीकरण और एप्लीकेशन तथा एडवांस डेटा एनालिटिक्स के उपयोगकर्ता के अनुभव में वृद्धि के लिए विकसित और लागू किया गया है, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का एक नंबर जारी किया गया है 181। आप देखिए स्क्रीन पर आपके हो रहा है 181। ये राज्य सरकार का संपर्क पोर्टल है, राजस्थान संपर्क पोर्टल। इसमें लिखा है देखिए, घर बैठे ऑनलाइन शिकायत का पंजीकरण करें। अगर आप ऑनलाइन शिकायत करते हैं तो उस पर क्या कार्रवाई हुई, इससे समय समय पर आपको अपडेट किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत समिति में एक वीडियो वॉल लगाई गई है जिसमें सरकार के द्वारा जो कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी गाड़ियां आ रही है उसके बारे में डिस्प्ले होता है। उसी प्रकार से प्रत्येक पंचायत समिति में निवासियों के लिए वीडियो वॉल लगाई गई है। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आजकल मीटिंग होती है। कोविड काल में जब फिजिकल मीटिंग होना बंद हो गई तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत मीटिंग हो रही है। इसके अलावा राजनेट, राजस्थान स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान में सभी जगह पर नेट की सुविधाएं डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर ई मित्र प्लस के माध्यम से कियोस्क स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को वाईफाई की करने का कार्य किया जा रहा है। राज्य के कुल 11,341 ग्राम पंचायतों में से 9,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी सेवा भवन है और वहाँ पर वाईफाई के सिस्टम लगाए गए हैं। इसके अलावा जीपीआरएस सिस्टम भी यहाँ लगाए जा रहे हैं, भौगोलिक सूचना तंत्र जिसको कहते हैं ये। इस और लगभग सभी पंचायतों पर ई मित्र की स्थापना की जा रही है, जहाँ से ग्रामीण जन अपना आधार कार्ड बना सकते हैं, आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं और भी बहुत सारे कार्य @होम सर्विस शुरू की ई मित्र के माध्यम से किए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य में ई पेमेंट की सुविधा भी की गई है, फार्मों के भुगतान के लिए सुविधाएं, जिसमें भुगतान के विवरण में किसी भी प्रकार का आप पेमेंट जो है वो राज पेमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान ई साइन, ये देखिए हमने राजस्थान ई मित्र के डिस्प्ले किया है संपर्क, तो यहाँ हमारे बहुत सारे जो ई मित्र है वो हमारे यहाँ चल रहे हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो सरकारी विभागों और निजी संगठनों की 500 से अधिक ई मित्र कियोस्क राजस्थान में चल रही है, अधिक सेवाएं राजस्थान के नागरिकों को। कुल हमारे यहाँ देखिए इन ई मित्रों पर 500 से अधिक सेवाएं प्रदान की जाती है और राज्य में लगभग 85,595 ई मित्र कियोस्क लगे हैं। इन ई मित्र पर आपको मोबाइल का भुगतान करना, मोबाइल के बिल का भुगतान करना हो, आपको टेलीफोन का बिल का भुगतान करना हो, बिजली के बिल का भुगतान करना हो, सारे कार्य आप उस पर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आधार कार्ड बनाना हो, आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना हो, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, आर्थिक पिछड़ा वर्ग का वो बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो ई मित्र के माध्यम से की जा रही है, जिनके लिए पहले हमको अलग अलग ऑफिसेज में चक्कर काटने होते थे और बहुत मुश्किल से कार्य होता था। ये सारे कार्य अभी राजस्थान में ई मित्र के माध्यम से किए जा रहे हैं। इसमें सरकार के द्वारा ई मित्र सेवाएं, ई मित्र कियोस्क, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल, ई मित्र प्लस मशीन के माध्यम से होते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि एक बड़ी मशीन लगी रहती है, उसको ई मित्र प्लस कहते हैं।
ई मित्र कियोस्क जो होती है उसमें आदमी आपकी से आपके कार्य करने के लिए अवेलेबल होता है, पर ई मित्र प्लस में एक मशीन होती है जिसमें आप अपना कार्ड स्वाइप करेंगे, अपना नंबर डालेंगे और आसानी से आप जिस चीज़ के लिए भी आवेदन करते हैं आप उसको कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे रेलवे स्टेशन पर हम पहले रेल का टिकट खरीदते थे तो एक आदमी देता था, वर्तमान में कियोस्क लग गए हैं जिनमें आप अपना अगर कार्ड है उस कार्ड के माध्यम से आप रेलवे टिकट ले सकते हैं। सिमिलरली जितनी भी ई मित्र की सेवाएं हैं उन सेवाओं को करके सरकार ने ई मित्र प्लस एक मशीन लगा दी है। एक ये ई सेवा प्रदान करने का एक क्रांतिकारी कदम कह सकते हैं। ये एटीएम की भांति मानव इंटरफेरेंस के बिना सीधा सेवा प्रदान करता है। ई मित्र प्लस भारत में अपनी तरह का पहला कियोस्क है जिसके माध्यम से सरकारी दस्तावेजों जैसे आपको जन्म प्रमाण पत्र करना है, मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है तो इसके अंदर लगे प्रिंटर के माध्यम से आप प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें नगद, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे भुगतान की भी सुविधाएं हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो, जन सुनवाई करनी हो, सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करना हो तो भी इस ई मित्र कियोस्क के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम राजस्थान ई संचार और आई फैक्ट की बात करते हैं। ई संचार एप्लीकेशन नागरिकों एवं विभाग के अधिकारियों को एसएमएस या वॉइस मैसेज के माध्यम से सूचना भिजवाने के लिए ई संचार का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न ई गवर्नेंस एप्लीकेशन को अनेक सेवाएं प्रदान करता है। यानी हमारे पास कई बार जैसे एसएमएस आता है सरकार की योजनाओं के बारे में, एसएमएस आता है कि ये योजनाएं चलाई जा रही है, इतनी तारीख तक ये योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये सब ई संचार के माध्यम से होता है जिसमें सरकार की योजनाएं आपको ऑडियो के माध्यम से भी सुनाई जा सकती है। जैसे अभी कोरोना काल था तो हम जब भी किसी को फ़ोन करते थे तो उसमें आवाज़ आती थी कि कोरोना में हमको क्या क्या करना है। फिर टीकाकरण चालू हुआ तो उसकी बारे में, टीकाकरण की उपयोगिता के बारे में बताया जाता था। तो ये सारी चीज़ें ये ई संचार और आई फैक्ट है। राजस्थान में भी बड़ी तेज़ी से इनको विकसित किया जा रहा है ताकि राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लाभ नागरिक उठा सके, इसके लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए राजस्थान में एक सिंगल साइन ऑन की बात करते हैं। अभी जितने भी विभाग हैं उन सभी विभाग की एप्लीकेशन का के लिए एक एकल उपयोगकर्ता प्रबंधक जो है वो SSO है। अभी हमको यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना होता है तो भी SSO ID की ज़रूरत होती है। अगर हम सरकारी कॉलेज में कहीं एडमिशन लेते हैं तो भी SSO ID की ज़रूरत होती है। सरकार ये चाह रही है कि हमारे नागरिकों को बिना किसी रुकावट के सभी प्रकार की सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो। तो वर्तमान में हर नागरिक का एक सिंगल साइन ऑन SSO ID बना दिया गया है जिसमें उपयोगकर्ता को केवल एक बार साइन इन करने के बाद विभिन्न एप्लीकेशन पर कार्य किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे जो सरकारी विभाग हैं SSO ID पर सब विभाग अवेलेबल है। आपको वाटर बॉक्स से संबंधित कोई कार्य करना है तो कर सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई कार्य करना है तो कर सकते हैं, आपको महाविद्यालय शिक्षा में प्रवेश लेना है, आपको और भी कोई सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेना है तो एक ही पोर्टल है सिंगल साइन ऑन SSO ID। इसमें आप लॉग इन करके सारी गवर्नमेंट की सारी सुविधाओं के लिए ऑनलाइन जो आपको चाहिए वह सारा ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपके कार्य में कितनी प्रगति हुई इसको भी आप देख सकते हैं। जैसे आपको जमीन का नामांतरण खुलाना है तो भी आप SSO ID से कर सकते हैं। एडमिशन लेना है आपको और आपको जो जन आरोग्य बीमा है उसकी रसीद जमा कराना, उसका पैसा जमा कराना है, LIC का भुगतान करना है, लगभग सभी सेवाएं सरकार के द्वारा SSO ID के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे राजकाज जो इसी में लिया गया है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी ने कब अवकाश लिया है, कितना अवकाश नकदीकरण का आवेदन हुआ है, वार्षिक कार्य मूल्यांकन की उसकी रिपोर्ट क्या है, वो
उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, सारी चीज़ों के लिए हर सरकारी कर्मी के लिए एक और नया पोर्टल है जिसको राजकाज के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर अपना सरकारी कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, आवंटन प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से होगी, ताकि उनका कार्य भी एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चले और हर चीज़ का एक रिकॉर्ड रहे। उस दृष्टि से सरकार ने एक नया ऐप भी इसमें SSOID में जोड़ा है जिसको राजकाज के नाम से जाना जाता है। ये भी सिंगल साइन ऑन के साथ ही लागू है। इस मापदंड में सभी सरकारी विभाग को प्रभावी व अनिवार्य बनाने के लिए और क्रमिक विभाग द्वारा राज्यव्यापी दिशा निर्देश देने की दृष्टि से राजकाज भी हमारे यहाँ लगाया गया है। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट जिसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान जन आधार योजना वर्तमान में बहुत फेमस है। ये क्यों कि इसके माध्यम से सरकार ने गरीब लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधाएं प्रदान की करने के साथ ही 5 लाख तक का बीमा भी किया है, जिसको अभी इसी बजट में 10 लाख तक कर दिया है। ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति बीमार हो तो वह सरकारी हॉस्पिटल ही जाए। राजस्थान में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जो जन आधार योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं, वहाँ पर भी इलाज पर कैशलेस इलाज किया जा सकता है। ये कह सकते हैं कि ये योजना 2019-20 से प्रारंभ की गई और इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न योजनाओं का लाभ सरलता, सुगमता और पारदर्शी रूप से आम जनों को पहुंचाने के उद्देश्य से एक ही नंबर, एक कार्ड और एक पहचान को ध्यान में रखते हुए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के गठन की घोषणा की गई थी। ये राजस्थान जन आधार योजना 2019 से प्रारंभ हुई है, जिसके तहत जैसे हमारा आधार कार्ड होता है वैसे ही एक जन आधार कार्ड बनाया जाता है। उस जन आधार कार्ड में एक व्यक्ति का ही डाटा होता है, जबकि जन आधार कार्ड में एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान, यानी उसमें आपके पूरे परिवार के सदस्यों का पहचान, पता, संबंध आदि सभी चीज़ें एक ही कार्ड में अवेलेबल होती है। जो भी सरकारी योजना के प्राप्त लाभार्थी है उनको नगद लाभ देना है, प्रत्यक्ष लाभ का हस्तांतरण करना है, सीधा उनके बैंक खातों में करना है, तो ऐसी स्थिति में उनके जन आधार का जो नंबर है उससे वह वेरीफाई हो जाता है। और जितने भी ई कॉमर्स की सेवाएं हैं, बीमा की सुविधाएं हैं, ई मित्र की सुविधाएं हैं, वो भी धीरे धीरे जन आधार के अंतर्गत लाई जा रही है। इस जन आधार के माध्यम से राज्य वर्तमान में जो तकनीकी व इलेक्ट्रॉनिक ढांचा है उसको सुदृढ़ीकरण करने के साथ उसका विस्तार करना चाहता है। साथ में महिला सशक्तिकरण व वित्तीय समावेशन बढ़ाने का भी प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व बजट घोषणा अनुसार राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 राज्य में पास कर दिया गया है, जिसके तहत सभी निवासी परिवारजन एक जन आधार कार्ड प्राप्त करेंगे और इस नामांकित परिवारों में एक 10 अंकीय परिवार का पहचान संख्या होगी। इस कार्ड में मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य के 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या भी अंकित की गई है, जिससे राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अलग अलग स्तर पर इसकी व्यवस्था की है। राज्य स्तर पर आयोजना विभाग है, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर जन आधार योजना अधिकारी है और ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी ब्लॉक जन योजना अधिकारी है, जो इस योजना से संबंधित कोई भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए अधिकृत है। मुख्यमंत्री महोदय ने इसमें इस योजना की घोषणा करते समय बोला था, आम जन को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार के कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका मतलब है कि आने वाले समय में जन आधार बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया उनको शीघ्र ही ये जन आधार कार्ड राजस्थान सरकार का बना लेना चाहिए। इसके बाद हम राजस्थान की विज्ञान व प्रौद्योगिकी सेवा के बारे में भी बात करेंगे। राजस्थान में विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1983 में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के सहयोग 1983 में की गई थी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहयोग से समाज में वैज्ञानिक वातावरण विकसित करने तथा जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर तबके के उत्थान के लिए हमारे यहाँ विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तथा विभिन्न कार्यक्रमों में उद्देश्यपूर्ण उपयोग के साथ विज्ञान व प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के साथ साथ राजस्थान में संतुलित विकास के लिए प्रयास कर रहा है। इस विभाग के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र बनाए गए हैं। ये केंद्र प्राकृतिक संसाधनों के भौतिक एवं संस्थानिक समंकों के आधार पर एक सूचना प्रणाली करने का काम कर रहे हैं कि कहाँ की मिट्टी कैसी है, जल कैसा है, वन कैसा है, कृषि कैसी है, उसका डाटा कलेक्ट करके उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। इसके अलावा राज्य में फसलों पर लगातार अनुसंधान करने का कार्य भी इस विभाग के द्वारा किया जाता है। समाज को नए नए विज्ञान से जोड़ने के और समाज में जो उपलब्ध कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं उनको निवारण करने का काम भी विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जाता है। राज्य में उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किए जाते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि विज्ञान जो विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग है वह भी राजस्थान में कई प्रकार से राज्य के विकास के लिए कार्य कर रहा है, चाहे वह बाल विज्ञान कांग्रेस हो, विद्यालय विज्ञान केंद्र हो, विज्ञान क्लब है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, प्रतियोगिता विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन करना है। कुल मिला के इसका इस जो विभाग है उसका कार्य विज्ञान व तकनीक को लोकप्रिय बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे परिचित कराना है। पुराने समय में क्या होता था, जब लोग इतने शिक्षित नहीं थे तो उनको जादू के माध्यम से कुछ साइंस के प्रयोग के माध्यम से लोगों को बताया जाता था कि ये जादू किए जा रहे हैं या जादू मैं कर रहा हूँ। आजकल विज्ञान और प्रौद्योगिकी और तकनीकी विकास इतना हो गया कि धीरे धीरे आम जन भी उस अंधविश्वास से बाहर निकल रहा है। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ये कार्य राज्य में किया जा रहा है। थोड़ी सी हम बात और करेंगे राजस्थान फाउंडेशन के बारे में। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना राज्य के विकास की गतिविधियों में प्रवासी लोगों को उन लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया गया है। यानी हमारे राजस्थान से जो भी लोग कहीं बाहर रह गए बस गए हैं, चाहे वो विदेश बस गए हैं, चाहे कलकत्ता बस गए हैं, मुंबई बस गए हैं, उन लोगों को मिट्टी से जोड़े रखने के लिए हमने यहाँ पर राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की है, ताकि इस फाउंडेशन के माध्यम से उनसे लगातार संचार व वार्तालाप बनाए रखा जाए। इस फाउंडेशन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार होते हैं। राजस्थान फाउंडेशन भारत व विदेश में विभिन्न शहरों में बसे राजस्थानियों के साथ घनिष्ठ व लगातार संपर्क करता है। सामाजिक क्षेत्र में गतिविधियां शुरू करने के लिए राजस्थान फाउंडेशन ने चेन्नई, कोयम्बटूर, कोलकाता, सूरत, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर, लंदन, कई जगह चैप्टर्स खोले हैं। न्यूयॉर्क और काठमांडू में भी चैप्टर्स खोले हैं, जहाँ नियमित रूप से बैठक करके ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थानियों को राजस्थान के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनमें उनको बुलाया जाता है, जैसे दीपावली पर दीपोत्सव कार्यक्रम है, इसके अलावा सक्रांत पर पतंगोत्सव व सांस्कृतिक संगीत कार्यक्रम है, या जो राजस्थान के जो मेले हैं उस मेले में उनको बुलाया जाता है। कुल मिला के इस फाउंडेशन का उद्देश्य जो राजस्थान के नागरिक हैं उनको राजस्थान की माटी से जोड़े रखना और उनकी जो उपलब्धियां हैं उनका फ़ायदा लेके राजस्थान को विकसित करने का कार्य इसमें किया जा रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम इसमें चलाए जा रहे हैं, उनकी चर्चा यहाँ करना संभव नहीं है। इसके अलावा देखिए राजस्थान आयोजना जनशक्ति विभाग की भी हम बात करेंगे। आयोजना जनशक्ति विभाग चरण रूप से जिला गजट का प्रकाशन करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये जितने भी सरकार की योजनाएं हैं उसको प्रकाशित करने का कार्य आयोजना जनशक्ति विभाग के द्वारा किया जाता है। जगह जगह इस हेतु देखिए प्रथम चरण में जोधपुर, अलवर, बांसवाड़ा, करौली, प्रतापगढ़ एवं हनुमानगढ़ जिलों में
गजट प्रकाशन करने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अलावा और भी कार्य राजस्थान के सेवा क्षेत्र में किए जा रहे हैं, पर हमने संक्षिप्त रूप से जो मेन चीज़ है उसको लिया। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा कि किस प्रकार से राजस्थान का सेवा क्षेत्र है इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।